दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रजीत KBS में। दोस्तों आज बात करेंगे हम KBS रिजल्ट के बारे में। आखिरकार KBS का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? दोस्तों अब तो कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिस वजह से KBS का रिजल्ट रोका जा रहा हो। BEd वाले सुप्रीम कोर्ट को बाहर करने थे, वो बाहर हो गए हैं, तो आखिरकार रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? क्या आयोग जो है सो गया? क्या आयोग इंतजार कर रहा है कि हम चुनाव के पास रिजल्ट को देंगे ताकि चुनाव में इन मुद्दों को भुनाया जा सके? आप जब एग्जाम कराते हैं तो एक महीने के अंदर एग्जाम करा लेते हैं और रिजल्ट देने में 10-10 महीने लगा देते हैं। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, रोज ऐसे ही चल रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही बैठे रहे तो रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। आयोग अपनी मस्ती में है, उसे कोई मतलब नहीं है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बाजी बाजी के रोज नए बैच लॉन्च हो रहे हैं, KBS PRT का बैच ले लो, इंटरव्यू का बैच ले लो। अरे भैया बच्चा परेशान हो गया है बैच ले लेकर भी, आप रिजल्ट दो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कल 3 अक्टूबर है और सुबह 10 बजे से ट्यूटर अभियान है। जिन छात्रों की ट्यूटर आईडी नहीं है ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लें और सुबह कल 10 बजे से रिलीज KBS PRT रिजल्ट, ये हमारा हैशटैग रहेगा, ठीक है? ये हमारा हैशटैग रहेगा रिलीज KBS PRT रिजल्ट, और टैग करेंगे NCT को और टैग करेंगे CBSE को और टैग करेंगे KBS को। दोस्तों यह अभियान को कल सफल बनाएं, कम से कम भी नहीं तो कल 2.5-3 लाख ट्वीट तो होने चाहिए ताकि जो KBS हेडक्वार्टर के लोग नींद में सो रहे हैं कम से कम जागे, उन्हें जगाने की जरूरत है। दोस्तों एक एक बच्चा कम से कम भी नहीं तो 20-30 ट्वीट करेगा, ठीक है? दोस्तों यही सूचना देनी थी। देख लीजिए 3 तारीख सुबह 10 बजे से आपको ट्विटर अभियान चलाना है रिलीज KBS PRT रिजल्ट, #NCET, #CBSE, #KBS। आप #MinistryofEducation को भी कर सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर को भी कर सकते हैं, PMO को भी कर सकते हैं। दोस्तों हैशटैग अभियान चलाइए, इस अभियान को सफल बनाइए। कई दिनों से यही चल रहा है, आपका रिजल्ट बस तैयार है, अपलोड होना बाकी है, आपका रिजल्ट तैयार है, अपलोड होना बाकी है। ये कब तक चलता रहेगा भैया? अपलोड करने के लिए किसी और को बुला रहे हो क्या? यह रिजल्ट को पुतिन जी अपलोड करने आए हैं क्या? पुतिन जी तो आजकल युद्ध में बिजी हैं, KBS हेडक्वार्टर इंतजार कर रहे हैं, पुतिन जी आएंगे बटन दबाएंगे KBS रिजल्ट अपलोड। भैया ऐसे नहीं होगा, ठीक है? दोस्तों कल अभियान चलाएं, इस अभियान को सफल बनाएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।